नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल की है दोस्तों कि दोस्तों मैं आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपने अपने पुराने नंबर्स डिलीट कर दिए हैं या दोस्तों आपने किसको नया फ़ोन लिया है और फ़ोन चेंज किया है दोस्तों, या फिर आपका गलती से मोबाइल नंबर डिलीट हो गया है या दोस्तों आपने डिलीट कर दिया है दोस्तों और इस कंडीशन में आप उससे बात करना चाहते हैं और आपके पास नंबर नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को फुल कंप्लीट देख लीजिए दोस्तों। उसकी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों कि अगर आप मेरी वीडियो फुल देख लेते हैं तो दोस्तों दो मिनट में वो भी अपने फ़ोन में ही दोस्तों उसका नंबर आप बड़ी आसानी से ले आएंगे। वो भी दोस्तों क्या ट्रिक है, कैसी ट्रिक है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए, आपने कोई नया फ़ोन लिया हो या कोई भी पुराना फ़ोन लिया हो दोस्तों, इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखिए दोस्तों। डिलीट हुआ पुराना नंबर वापस दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखिए और थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ और क्या क्या दोस्तों बता रहा हूँ दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों आपको गूगल अपना ओपन करना है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिक है दोस्तों वो गूगल के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों, और आपको ये पता भी नहीं चलता जो अगर आप अपने फ़ोन पर ईमेल आईडी यूज करते हैं दोस्तों, तो ईमेल आईडी के जरिए अगर आपको ये पता भी नहीं चलता कि गूगल आपके साथ क्या क्या कर रहा है और क्या क्या फ़ोन में आपके प्रोसेसेस हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से माय कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है माय कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो मैं माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, जैसे ही आपको माय कॉन्टैक्ट पे सर्च करना है, मैं माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो इसका इंटरफेस है वो कुछ आगे जो खुलेगा थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों, जैसे मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये गूगल एडवर्ड की वेबसाइट जो दोस्तों खुल चुकी है, ठीक है ना। और जो ये वाली वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं contact.google.com दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। और दोस्तों ये याद रहे दोस्तों, अगर आपके पास जो मोबाइल नंबर है, मतलब मोबाइल नंबर नहीं सॉरी, अगर आपके फ़ोन में पुरानी जो मतलब शुरू से आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं दोस्तों, अगर दोस्तों आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपसे या ईमेल आईडी या पासपोर्ट मांगे। तो दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी एंड पासपोर्ट पुराना वाला ही दीजिएगा दोस्तों, जो शुरू से लेकर एंड तक आप अपने मोबाइल पर यूज कर रहे हों दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों मैं अपना पुराना वाला मेल आईडी यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है ना। मेरा दूसरा वाला मेल आईडी यहाँ पर लॉग इन है दोस्तों, जो मैंने पुराना अपना फ़ोन पर दिया है दोस्तों। जैसे ही मैं लॉग इन करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मेरे सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे दोस्तों। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ उनको नंबर को कैसे निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से उनके सारे के सारे नंबर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे सारे नंबर मिल जाएंगे जो अगर आपने पुराने जीमेल आईडी अगर रखी होगी जिस पे, तो वो सारे के सारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों वो मैं आसानी से यहाँ से आप उसको नंबर पे क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये प्लस का जो आइकन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करने के, ये जो नंबर है दोस्तों आपका मोबाइल पर सेव हो जाएगा। फिर वहाँ से बड़ी आसानी से आप मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, वहाँ से बात कर सकते हैं दोस्तों, या दोस्तों यहीं पर किसी नंबर पर मोबाइल नंबर शो होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर अंटो का भी ऑप्शन होता है दोस्तों। यहाँ से आप 2 महीने या 3 महीने या 2 साल या 3 साल का जो निकालना चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गूगल क्या करता है कि दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर होता है, और जैसे ही आप मेल आईडी से लॉगिन कर देते हैं गूगल अकाउंट में दोस्तों, तो गूगल अकाउंट क्या करता है कि आपके जो मोबाइल नंबर मोबाइल पे जो कॉन्टैक्ट सेव होते हैं वो रिकवर कर लेता है, अपने सिस्टम पर सेव कर लेता है दोस्तों, ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत है कोई भी लफड़ा ना पड़े दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप 2 या 3 साल का पुराना कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है इसका दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है आपको, सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अंडो चेंज, ठीक है ना। अंडो चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप कितने साल का, 1 ईयर एगो या सैटरडे, कितने दिनों का निकाल सकते हैं, कस्टम भी ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, जितने दिन को आप निकालना चाहें दोस्तों। तो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।